नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बेसिक मैथ्स लेने वाले हैं। जो कि हम बेसिक मैथ्स लेने वाले हैं, ये बेस्ट बुक एवर फॉर वैदिक मैथ्स बुक में से लेने वाले हैं। आपको इस बुक की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप ये बुक परचेस कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिए थे, जो कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अर्लियर लेक्चर वाला वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख लीजिए। अभी जो है ऑलवेज रिमेंबर जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज़ीरो, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज़ीरो के लिए क्या बोला है यहाँ पर, देखिए व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड और एनी नंबर इज़ एडेड टू ज़ीरो। देखिए क्या बोला है, ज़ीरो को ध्यान दीजिए, ज़ीरो को अगर किसी नंबर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड कर दिया जाता है, या कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर जो है वो ऐड कर दिया जाता है ज़ीरो में, द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इट्सेल्फ, ये जो रिज़ल्ट है वो इट्सेल्फ रहेगा, मीन्स वही नंबर रहेगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, ज़ीरो प्लस प्लस एनी नंबर, अगर ज़ीरो के अंदर हम कोई भी नंबर डाल दें तो वही नंबर हमारा आंसर रहेगा, एंड एनी नंबर प्लस ज़ीरो द नंबर इट्सेल्फ। देखिए अगर हम करते फाइव में अगर ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या रहेगा, फाइव। उसी तरीके से अगर हम ज़ीरो में फाइव ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा, फाइव ही रहेगा। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो माइनस सेवन प्लस ज़ीरो, तो आंसर विल बी माइनस सेवन इट्सेल्फ। उसी प्रकार ज़ीरो प्लस इन अ ब्रैकेट माइनस सेवन, तो आंसर क्या रहेगा, माइनस सेवन, मीन्स वही नंबर रहता है। अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें या ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो, एंड सो ऑन, इसी तरह प्रकार चलता रहेगा। कोई दिक्कत, होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने बहुत ही आसान शब्द में बताया है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज कई सारे कैंडिडेट जो हैं इसमें दिक्कतें खड़ी करते हैं। आगे जाके मैथ्स में आपको इसी में दिक्कत होने वाली है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ठीक है बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने इसका एक अलग से ही पॉइंट बना दिया, इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ज़ीरो, जो कि आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हेन ज़ीरो इज सेपरेटेड फ्रॉम एनी नंबर, क्या बोला है, अगर ज़ीरो जो है किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द नंबर रिमेन्स द सेम, नंबर क्या रहेगा, वही रहेगा। एंड व्हेन एनी नंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम ज़ीरो, अगर कोई भी नंबर ज़ीरो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, क्या बोला है, व्हेन नंबर इज सेपरेटेड फ्रॉम ज़ीरो द साइन ऑफ द नंबर रिवर्स, द साइन ऑफ द नंबर्स क्या होगा, रिवर्स इज एनी नंबर माइनस ज़ीरो, ठीक है। देखिए एनी नंबर माइनस ज़ीरो द नंबर इट्सेल्फ, यही रहेगा। तो देखिए कोई भी नंबर, वो नंबर हम फाइव ले लेते हैं, फाइव में से जीरो जाएगा तो आंसर क्या रहेगा, फाइव। माइनस सेवन माइनस ज़ीरो, देखिए वन सेकेंड, यहाँ पर पहले क्या था, प्लस का साइन था, अब क्या है, माइनस का साइन है। माइनस सेवन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सेवन, एटी फाइव माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू क्या रहेगा, एटी फाइव, एंड सो ऑन। बट फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हम समझते हैं, तो ज़ीरो माइनस फाइव आंसर क्या रहेगा, माइनस फाइव। देखिए यहाँ पर फाइव में से ज़ीरो माइनस किया तो क्या आया, पॉजिटिव फिगर फाइव आई, जबकि ज़ीरो में से फाइव माइनस किया तो क्या आएगा, नेगेटिव फिगर आएगी, ज़ीरो माइनस फाइव। उसी प्रकार ज़ीरो माइनस माइनस सेवन, तो आंसर क्या रहेगा मुझे बताइए, ज़ीरो माइनस माइनस सेवन क्या आंसर रहेगा, प्लस सेवन या माइनस सेवन, प्लस सेवन रहेगा। इज इट क्लियर, यहाँ पर क्या बोला है, द नंबर साइन विल बी रिवर्स, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, इज इट क्लियर। एंड ज़ीरो माइनस एटी फाइव इज इक्वल टू माइनस एटी फाइव। देखिए अगर हम सेवन माइनस ज़ीरो करते हैं, माइनस सेवन सॉरी माइनस सेवन माइनस ज़ीरो करते तो आंसर भी माइनस सेवन, बट अगर हम ज़ीरो में से माइनस माइनस सेवन करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, प्लस सेवन, जो सिंपल है। एंड ज़ीरो माइनस एटी फाइव इज इक्वल टू माइनस एटी फाइव, एंड सो ऑन। तो यही चीज़ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का पॉइंट तो ईजी था जो आपको आता था,
देखिए वीडियो को स्किप करने से पहले आप जो है इसकी इम्पोर्टेंस देख लीजिए, बिकॉज ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है, और केवल सिंप्लीफिकेशन में नहीं हर एक चैप्टर में आपको हेल्प करने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स मूव ऑन गाइज, हम पॉइंट नंबर 3 पर जाने वाले हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन बेस है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पर जाने वाले हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन बेस हैं। देखिए, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 0 इज ऑलवेज 0। ये याद रखिएगा कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ गुणा करेंगे, वो नंबर कोई भी हो, 5 हो, 7 हो, 1000 हो, लाख हो, तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। तो एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 0, आंसर विल बी 0, एंड एनी 0 मीन्स एंड 0 इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, आंसर विल बी ऑलवेज 0। तो जस्ट सिंपल है, थस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन, इसी प्रकार रहेगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 10 लेता हूँ, आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। इज इट क्लियर? देखिए, एडिशन में जो है इसकी कोई इफेक्ट नहीं आने वाली 0 की, जबकि सब्ट्रैक्शन में अगर 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो वही फिगर आ जाती है, और अगर 0 अगर 0 में से सब्ट्रैक्ट करता है तो साइन जो है वो रिवर्स आ जाएगी। जस्ट सिंपल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको 2 केसेस दिए गए हैं, आप एक बार वीडियो को वंस अगेन रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, व्हेन 0 इज डिवाइड बाय एनी 0 नंबर, देखिए वंस अगेन, व्हेन 0 इज डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, द रिजल्ट इज क्वेश्चंस इज ऑलवेज 0। ठीक है, एंड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइड बाय 0, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए, इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। प्रैक्टिकली देखिए, अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये मेरे पास 0 है, ये नंबर क्या करता है, देखिए मैं कैलकुलेटर के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, 0 इज डिवाइड बाय एनी, यहाँ पर क्या बोला है, 0 इज डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, तो 0 को मैं डिवाइड करता हूँ, ये रहा डिवाइड, वंस अगेन यहाँ पर ये 0 को मैंने डिवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल नॉन जीरो नंबर से 25 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोला है, आंसर इज ऑलवेज 0, एंड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइड बाय 0, अभी कोई भी नंबर, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 25 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 0 के साथ, तो आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, तो आंसर क्या रहेगा, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। तो इसी प्रकार ये पूरी डेफिनेशन आपको कहना चाहती है, आप ये कैलकुलेटर पे भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हम पहले एडिशन में जाते हैं, 5 प्लस 0 करेंगे तो आंसर भी क्या रहेगा, 5, एंड अगर हम 0 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 5। इज इट क्लियर? उसी प्रकार देखिए, मेरे पास एक फिगर है पॉइंट नंबर 2 में, 0 माइनस 7, और वो भी माइनस फिगर है, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, प्लस 7, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 है, इनटू करता हूँ मैं, क्या करूँगा, इनटू करूँगा किसके साथ, 0 के साथ, तो आंसर भी ऑलवेज 0। ठीक है, आंसर ऑलवेज भी 0, तो यही है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, देखिए, दैट इज़ 0 डिवाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, आंसर विल बी 0, यही कहना चाहता है, जो कि हमने ट्राई कर लिया, एंड एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। तो ये मैंने फार्मूला बना दिया, ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसका यहाँ पर फार्मूला हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद 0 को अगर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर क्या रहेगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज़ यही बता रही है, ठीक है, देखिए आप ध्यान देकर वीडियो को पूरी तरीके से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको ध्यान देकर पढ़ना है पूरा लेक्चर,
देखिए आपका अटेंशन, मुझे नहीं लग रहा है कि आपका अटेंशन है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस लेक्चर के ऊपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू, 6 / 0 इज नॉट डिफाइंड, -8 / 0 नॉट डिफाइंड, एंड 0 / 0 नॉट डिफाइंड, एंड सो ऑन। तो 0 / 0 भी होगा या नहीं होगा आपको ये भी देखना है। तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे, 0 / 0 कर देंगे, तो वो भी रिजल्ट इज अनडिफाइंड। देखो यहाँ पर रिजल्ट इज अनडिफाइंड आ गया। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ थंब रूल्स हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, ये ऐसा ही होगा, ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो नाउ वी मे कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड क्या करेंगे, नाउ वी मे कंक्लूड दैट। तो कंक्लूड क्या हुआ यहाँ पर, एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0, जो कि हमने देख लिया है। देखिए हमने लाइन ऑफ नंबर में हमने देखा था, यहाँ पर 0 रखा था, -1 -2, तो जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं हमने क्या बोला है, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, ठीक है। तो आपके नेगेटिव मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड वाला जो है नंबर, वो क्या होता है, हमेशा स्मॉलर होता है राइट हैंड साइड के साइड, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उससे छोटा ही होता है। तो 0 जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्मॉलर नंबर रहेगा। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर इसलिए बोला है एवरी नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0 एंड एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 रहेगा, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव नंबर है वो कौन से, 1 2 3, अब वो राइट हैंड साइड में आते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या रहेगा, जस्ट सिंपल है 0 से बड़ा ही रहेगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। अब देखिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताया था नंबर लाइन में, तो आपने 0 -1 -2 -3 उसी प्रकार 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी रहेगी, एक ही लाइन में मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा छोटी रहेगी। तो अगर आपको नंबर्स में कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप ये लाइन ड्रॉ करके नंबर्स को अरेंज कर लो, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला लॉजिक सही या नहीं है, ठीक है। और कि ये नहीं, किसी भी जो कंसेप्ट में अगर आप अटक जाओ तो उस वक्त ये नंबर लाइन आप रिप्रेजेंट कर देना, तो आपको बड़ा और छोटा मालूम पड़ जाएगा। तो एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। तो देखो राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, तो इसकी वजह से ये दिक्कत है, जो आपको जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी इस लाइन की वजह से। अब इसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो 0 के राइट हैंड साइड में क्या है, पॉजिटिव फिगर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो राइट हैंड साइड वाले जो इंटीजर्स है वो क्या रहेंगे, हमेशा राइट हैंड साइड वाले इंटीजर्स कैसे रहेंगे, बड़े ही रहेंगे। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आज के लेक्चर में 0 का जो इम्पोर्टेंस है वो सिंप्लीफिकेशंस में हमने यूज़ करने का तरीके देख लिए। तो देखो यही इसके लॉजिक हैं, मैंने आपको विद कैलकुलेटर प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया, वो इसलिए बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, समझ में आ रहा है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान था। देखिए तो आज जो है हमने जो देखा है, आज जो है हमने जो देखा है, 0 का इम्पोर्टेंस फैक्ट देखा है। देखिए 0 की शुरुआत जो है, इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। तो 0 का जो है इम्पोर्टेंस कुछ इस तरीके से, हम हमेशा जो नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। तो 0 यानी कि कोई भी नंबर वो एक तरीके से डिफाइन नहीं करता, बट 0 जिसके पीछे लगे वो नंबर ज़रूर डिफाइन हो जाता है। यानी कि वो फॉर एग्जांपल 0 जो है अगर 1 के पीछे लग जाता है तो 10 यानी कि 10 हो जाता है। इज इट क्लियर। तो यही था आज के लेक्चर में 0 का इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे जो है मैं अगर मैं बात करूँ तो आगे जो एक्सरसाइज 1 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स की बात की है। तो आप जो है ये कुछ क्वेश्चन से मैं पूरा एक्सरसाइज नहीं दिखा रहा हूँ, उसके लिए आपको बुक बाय करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप बुक बाय कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी गई है और उस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस से आपका बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। अब जस्ट सिंपल है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर यानी कि अब जो है आपके वैदिक मैथ्स के लेक्चर शुरू होने वाले हैं। तो वैदिक मैथ्स के जो लेक्चर शुरू होने वाले हैं, उससे पहले आप ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर है ये ज़रूर देख लीजिए, और इसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं 0 के, इसके अलावा जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो पढ़ाए थे अर्लियर लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, वो देख लीजिए। एंड कुछ जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी वो भी पूरी तरीके से देख लीजिए। देखिए मैं जानबूझकर इतना बेसिक लेवल से ले रहा हूँ, बिकॉज मैं समझता हूँ अभी आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता,
देखिए मैं डायरेक्ट हायर लेवल पे भी शुरू कर सकता हूँ, बट बेसिक लेवल स्टार्ट करने का रीज़न यही है कि आप जो है हर एक चीज़ के ऊपर कमांड अच्छे से बनाओ। आई नो आपका टाइम अभी बेसिक मैथ्स में ज़्यादा जा रहा है, बट क्या है कि बेसिक मैथ्स क्लियर होने के बाद हमें मुड़कर वापस मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स नहीं करना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और यही तरीका है मैथ्स को ईजी बनाने का। तो अगर आपने ये लेक्चर अगर आप कॉन्जिक्यूटिव देखोगे मेरे, अगर आप मेरे लेक्चर्स बेसिक मैथ्स के कॉन्जिक्यूटिव देखोगे, वैदिक मैथ्स के कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर देखोगे, जो एक लेक्चर की सीरीज़ हम मैथमेटिक्स में बनाने वाले हैं वो अगर आप लगातार देखोगे तो आपको मैथ्स इतना ईजी लगेगा, आप विदाउट एनी फार्मूला हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो मैं आप लोगों को सभी को तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर सबको शेयर कीजिए, जिसको भी दिक्कतें हैं जीरो को लेकर, उन लोगों को आपको हीरो बनाना है, जस्ट सिंपल है। एंड हो सके तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने ये जो वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो गाइज़ आज हम केवल 15 मिनट का ये सेशन ले रहे हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन करके पूरा टॉपिक जो है इसी बुक में से हम ख़त्म करने वाले हैं, ए टू जेड हम सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।